हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। इन द लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग वेरियस कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ स्टेट स्पेस मॉडल, ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म एज वेल एज कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म। So I am taking three cases. First, if the transfer function is having unique poles, it means all the poles are having different values. सबके अलग अलग values होंगी, तब क्या कैसे represent कर सकते हैं हम diagonal form में? तो अगर ट्रांसफर फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है, s प्लस जेड वन एस प्लस जेड वन इंटू एस प्लस जेड टू अपॉन एस प्लस पी वन इंटू एस प्लस पी टू इंटू एस प्लस पी थ्री। अगर कोई ट्रांसफर फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन ऐसे है तो उसका मतलब इसमें तीन पोल्स है, तीनों पोल्स की वैल्यू क्या है, माइनस पी वन माइनस पी टू एंड माइनस पी थ्री, तीनों के वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम इस ट्रांसफर फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं, सी वन अपॉन एस प्लस पी वन, सी टू अपॉन एस प्लस पी टू, सी थ्री अपॉन एस प्लस पी थ्री। सी वन फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे, जो तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन में है उसमें लिमिट एस टेंड्स टू माइनस पी वन अगर रख दोगे और ट्रांसफर फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दोगे एस प्लस पी वन से, तो जो वैल्यू आएगी वो सी वन आएगी। सिमिलरली सी टू भी इस तरीके से आएगी, इस केस में एस टेंड्स टू माइनस पी टू रखना होगा, एस की वैल्यू माइनस पी टू रखनी होगी और उस ट्रांसफर फंक्शन को एस प्लस पी टू से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अगर इस तरीके से हम ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते करते हैं तो हमारा स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगी। वी कैन रिप्रेजेंट एक्स डॉट एज एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट एंड एक्स थ्री डॉट। क्यों? क्योंकि ना ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विल टेल यू द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। तो तीन है मैक्सिमम ऑर्डर, तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तीन वेरिएबल्स होंगे। एंड वी वॉन्ट टू रिप्रेजेंट इन डायगोनल फॉर्म। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स पर वैल्यू होती है, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो जीरो होते हैं। तो दीज एलिमेंट्स आर जीरो, ओनली डायगोनल विल हैव सम वैल्यू। और वो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू होगी जो पोल्स की वैल्यू है। तो पोल्स की वैल्यू क्या है? माइनस पी वन माइनस पी टू माइनस पी थ्री। सो विल राइट इट एज माइनस पी वन माइनस पी टू माइनस पी थ्री प्लस हेयर यू विल राइट इट एज ए वन ए टू ए थ्री इंटू यू। एंड आउटपुट इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज बी वन बी टू बी थ्री इंटू एक्स। आउटपुट इक्वेशन ये हो जाएगी। अब कंडीशन ये है कि हमें ए वन ए टू ए थ्री और बी वन बी टू बी थ्री दोनों की वैल्यू नहीं पता है, तो वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे। टू फाइंड दैट वैल्यू अ रिलेशनशिप इज एग्जिस्ट। रिलेशनशिप क्या होगा? ए वन इंटू बी वन इज इक्वल टू दिस रेसिड्यू सी वन, सिमिलरली ए टू इंटू बी टू इज इक्वल टू सी टू एंड ए थ्री इंटू बी थ्री इज इक्वल टू सी थ्री। जनरली वॉट वी टेक इज वी टेक ए वन ए टू एंड ए थ्री बोथ आर इक्वल टू वन, सो इन दैट केस बी वन इज इक्वल टू सी वन, बी टू इज इक्वल टू सी टू एंड बी थ्री इज इक्वल टू सी थ्री। देर आर वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन पॉसिबल। अगर ए वन की वैल्यू हम टू रखेंगे और बी एंड सी वन वी नो दैट इट इज सिक्स एंड ए वन इज टू, देन बी वन इज थ्री इन दिस केस। सो
वेरियस ऑप्शंस कैन बी अवेलेबल, बट जनरली हम क्या करते हैं के वन ए टू ए थ्री की वैल्यू 1 रख देते हैं ताकि बी वन सेम सी वन सी टू, बी वन सी वन के इक्वल हो जाएगा बी टू सी टू के एंड बी थ्री सी थ्री के। ये फॉर्म है डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म, क्योंकि इसमें सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ये केस था जब यूनिक पोल्स थे और रियल थे। व्हाट हैपन व्हेन देयर आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट? अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे तो हम ट्रांसफर फंक्शन का एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं? वी विल राइट एज पी प्लस जे क्यू अपॉन एस माइनस सिग्मा प्लस जे ओमेगा प्लस पी माइनस जे ओमेगा अपॉन एस माइनस सिग्मा माइनस जे ओमेगा प्लस सी वन अपॉन एस माइनस लैम्ब्रा। दिस इज मीन्स वी आर एज्यूमिंग दैट देर आर कॉम्प्लेक्स पोल्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑलवेज एग्जिस्ट हियर। सो इफ वन इज हैविंग पोल सिक्स सिग्मा प्लस जे ओमेगा, अनदर पोल विल लाई ऑन सिग्मा माइनस जे ओमेगा। सो यू कैन ऑब्जर्व देयर टू पोल्स आर लाइंग, वन एट सिग्मा प्लस जे ओमेगा, अनदर एट सिग्मा माइनस जे ओमेगा एंड थर्ड पोल इज लाइंग एट लैम्ब्रा। इन दिस केस हाउ टू रिप्रेजेंट स्टेट स्पेस? एज दिस इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ थ्री, सो यू कैन राइट इट एज सिग्मा प्लस जी ओमेगा हेयर, सिग्मा माइनस जी ओमेगा हेयर एंड लैम्ब्रा हेयर। रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू जीरो, प्लस यू कैन राइट इट एज ए वन ए टू ए थ्री इंटू यू। आउटपुट इक्वेशन वाइज बी वन बी टू बी थ्री इंटू, बिकॉज थ्री स्टेट वेरिएबल्स आर देयर एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री, सो देर आर थ्री बी वन बी टू बी थ्री। सो दिस इज वन क्रॉस थ्री एंड दिस इज थ्री क्रॉस वन। सो टू फाइंड आउट ए वन एंड बी वन, सेम रिलेशनशिप एग्जिस्ट, दैट इज ए वन बी वन इज इक्वल टू फर्स्ट रेसिड्यू दैट इज पी प्लस जे क्यू, ए टू बी टू इज इक्वल टू पी माइनस जे क्यू सेकेंड रेसिड्यू एंड ए थ्री बी थ्री इज इक्वल टू सी वन। जनरली we take a1 a2 a3 as 1, so we take this matrix as 1 1 1 and b1 b2 b3 are, b1 in this case is p plus jq, b2 is p minus jq and b3 is c1 here. So this is also diagonal form representation when poles are lying on the complex conjugate. Next, we will discuss about multiplicity. What happens if two or more than two number of poles are lying at the same location? So, let us discuss the case when there are multiple poles having same value and lying at the same location. Is case mein kya hoga? Is case mein poles, agar main consider kar rahi hu ki do poles hai, दोनों सेम लोकेशन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेम वैल्यू है माइनस पी वन माइनस पी टू एंड अनादर इज माइनस पी टू। सो योर ट्रांसफर फंक्शन इन पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म विल बी सी वन अपॉन एस प्लस पी वन स्क्वायर प्लस सी टू अपॉन एस प्लस पी वन प्लस सी थ्री अपॉन एस प्लस पी टू। इस फॉर्म में ट्रांसफर फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन होगा। यू कैन राइट द स्टेट स्पेस इक्वेशन एज, बिकॉज थ्री वेरिएबल्स ही है मुझे, थ्री पोल्स है तो एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट एक्स थ्री डॉट एंड योर ए मैट्रिक्स इज नाउ समवॉट चेंज टू दैट ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, यहाँ पर माइनस पी वन, यहाँ पर माइनस पी वन और यहाँ पर माइनस पी टू लिख देंगे, बट जब मल्टीपल पोल्स लाई करें तो यहाँ पर वैल्यू वन हो जाती है। ठीक है, तो दो पोल्स है तो इसलिए यहाँ पर वन हो गई। अगर तीनों पोल्स की वैल्यू सेम होती तो क्या होता, अगर मैं एज्यूम कर लेती कि तीनों पोल्स की वैल्यू है माइनस पी वन माइनस पी वन एंड माइनस पी वन, तब यहाँ पर माइनस पी वन वन माइनस पी वन और यहाँ पर जीरो की जगह हम क्या लिखते, यहाँ पर हम लिखते थे वन एंड दिस इज माइनस पी टू की जगह क्या हो जाता माइनस पी वन। इस केस में बी क्या होता है, इस केस में बी होता है जीरो जीरो वन इंटू यू एंड वाई इज रिटर्न एज दीज कॉन्स्टेंट दीज रेसिड्यूज C1, C2 and C3 into
x1, x2 and x3. This representation is known as Jordan canonical फॉर्म. ये रिप्रेजेंटेशन जो है उसको बोलते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बिकॉज इट इज नॉट अ डायगोनल फॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट आते हैं कि यू हैव टू ऑब्टेन ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम स्टेट स्पेस मॉडल. सो टू ऑब्टेन ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम स्टेट स्पेस मॉडल कैसे ऑप्टेन करते हैं ट्रांसफर फंक्शन. तो हमारा स्टेट स्पेस इक्वेशन क्या है, एक्स डॉट इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू एंड वाई इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी यू. वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन. स्टेट स्पेस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो एक्स डॉट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्स एस इंटू एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ जीरो. A is a constant matrix, so A into x of s plus B into u of s. Because only state variables and input and output variables are function of time. बाकी सब constant है तो उसको constant मान के A को बाहर ले लिया, x s plus B into u s ले लिया. अब transfer function के लिए क्या condition होती है, transfer function के लिए मैंने बोला था transfer function is the ratio of Laplace transform of output to the Laplace transform of input with zero initial conditions. ठीक है, तो इसका मतलब x of zero तो क्या होगा, zero होगा. अब इस टर्म को अगर मैं यहां ले आऊं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एस आई माइनस ए इंटू एक्स ऑफ एस वर्स टू बी इंटू यू ऑफ एस. यहां पर आई क्यों लिखा है, बिकॉज वी आर टेकिंग मैट्रिसेस, ये ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, सो वी आर टेकिंग एस इंटू आई हेयर. सो एक्स एस क्या होगा, अगर एस आई माइनस ए इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एस आई माइनस ए इनवर्स बी यू ऑफ एस. तो बोथ साइड एस आई माइनस ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया. तो मैंने डिस्कस किया था ए इंटू ए इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो यहाँ पर बचा हमारा एक्स एस और यहाँ पर हमारा क्या बचा, एस आई माइनस ए इनवर्स बी इंटू यू ऑफ एस. अब हमारे आउटपुट इक्वेशन क्या है, y ऑफ t इज इक्वल टू सी एक्स ऑफ t प्लस डी यू ऑफ t. अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले तो क्या होगा, y ऑफ s इक्वल्स टू सी एक्स ऑफ s प्लस डी इंटू यू ऑफ s. यहाँ पर हम x ऑफ s की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें आउटपुट इक्वेशन क्या मिलेगी, y ऑफ s इक्वल्स टू सी एस आई माइनस ए इनवर्स b प्लस डी इंटू यू ऑफ एस, क्योंकि यहाँ पर डी था और वहां पर यू आ रहा था तो यू को कॉमन ले लिया और सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी इंटू यू ऑफ एस हो गया. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ही है ये. ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, टू वाई एस अपन यू एस क्या हो जाएगा, सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स into b plus d. This will be your transfer function from any state space model. ये तो था टाइम डोमेन में. अगर डिस्क्रीट टाइम में स्टेट स्पेस मॉडल प्रेजेंट है तो हम कैसे ट्रांसफर फंक्शन ऑप्टेन करेंगे. सो डिस्क्रीट टाइम में ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, x ऑफ k प्लस वन a इंटू एक्स ऑफ k प्लस b इंटू यू ऑफ k, y ऑफ k इज c into x of k plus d into u of k. डिस्क्रीट टाइम डोमेन में तब इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, इन डिस्क्रीट टाइम डोमेन आई हैव टू टेक z ट्रांसफॉर्म. तो x of k plus 1 का z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, x of k plus 1 का z ट्रांसफॉर्म होता है z into x of z minus x of 0 equals to a into x of z plus b into u of z. क्योंकि a और b कांस्टेंट है इसलिए इनका ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए ही रहेगा, सॉरी जेड ट्रांसफॉर्म ए और बी रहेगा. सेम इसमें भी इनिशियल कंडीशंस वी आर अज्यूमिंग इट एज जीरो टू ऑब्टेन ट्रांसफर फंक्शन. सो हम क्या करेंगे, ए एक्स जेड को इधर ले जाएंगे तो वी कैन राइट इट एज जेड आई माइनस ए इंटू एक्स ऑफ जेड
इक्वल्स टू बी इंटू क्यू ऑफ जेड. सो वी कैन राइट एक्स ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड आई माइनस ए इनवर्स बी इंटू क्यू ऑफ जेड. वॉट वी विल डू इज वी विल टेक जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट इक्वेशन. तो क्या लिख सकते हैं, वाई के का लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई जेड इंटू इक्वल्स टू सी इंटू एक्स जेड प्लस डी इंटू यू ऑफ जेड. यहाँ पर एग्जैक्ट जो हमने ऑप्टेन किया उसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो वाई जेड इज इक्वल्स टू सी जेड आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी इंटू यू जेड. यू जेड कॉमन था तो बाहर ले लिया. एंड वॉट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सॉरी वॉट इज द जेड, बिकॉज वी हैव टू रिप्रेजेंट इट इन ट्रांसफर फंक्शन डोमेन. ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन में हमें रिप्रेजेंट करना है तो वाई जेड अपॉन यू जेड क्या हो जाएगा, सी एस आई सॉरी सी जेड आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी इंटू बस यू एस. तो अपन नहीं नीचे ले गया यू जेड. तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन जेड ट्रांसफॉर्म और इस एस ट्रांसफॉर्म, कोई भी ट्रांसफॉर्म हो सिर्फ हमें एस को जेड से रिप्लेस कर देना है तो हमें जेड ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन हो रहा है. ठीक है, यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल टू ऑब्टेन द ट्रांसफर फंक्शन. ये 2017 गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन. क्वेश्चन इज एक्स डॉट इक्वल्स टू 1220 इंटू एक्स ऑफ टी प्लस बी मैट्रिक्स है 1 2 यू ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी इज गिवन एस दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टी. सो वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 1 0 एंड टू स्टेट्स है तो मतलब एक्स वन और एक्स टू टी. यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन. तो अभी हमने डिफाइन किया कि ट्रांसफर फंक्शन क्या है. ट्रांसफर फंक्शन है सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी. तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, डी यू वाली टर्म तो है ही नहीं, तो इसका मतलब डी इस केस में जीरो है. तो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स. तो एस आई माइनस ए इनवर्स क्या होगा, एस इंटू आई. ए किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, टू क्रॉस टू. तो आई भी किस ऑर्डर की होगी, टू क्रॉस टू फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन. ये ऑर्डर मैच करना चाहिए. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में तो हम क्या करते थे, नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू रोज, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये सेम होना चाहिए तभी हम कर सकते हैं. ठीक है, तो वी कैन राइट इट एस एस आई को हम ऐसे लिख सकते हैं एस जीरो जीरो एस, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या थी हमारी 1 0 0 1, उसको हम मैंने एस से मल्टीप्लाई कर दिया. तो वी कैन राइट इट एज एस जीरो जीरो एस माइनस ऑफ ए. ए मैट्रिक्स क्या हमारी 1 2 2 0. तो वी विल फाइंड आउट एस आई माइनस ए. एस आई माइनस ए क्या होगा, एस माइनस वन. तो एस माइनस वन जीरो माइनस टू, तो माइनस टू जीरो माइनस टू, यहाँ पर भी माइनस टू एंड यहाँ पर एस माइनस जीरो, तो यहाँ पर एस. सो हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो अब इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं मैट्रिक्स का, मैंने बताया था उसका एडजॉइंट निकाल दो और उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो. ठीक है, तो एडजॉइंट निकालते हैं. एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स वॉट यू हैव टू डू इज सबसे पहले हमें को फैक्टर निकालना पड़ेगा. तो अगर हम को फैक्टर निकालेंगे तो फर्स्ट को फैक्टर निकालना है, जैसे C11 निकालना है, तो इन दोनों को जिसके करस्पॉन्डिंग निकालना होता है तो उस रो और उस कॉलम को हम रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, एस. सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट के रिस्पेक्ट मतलब निकालना है, मतलब इस माइनस टू के, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं तो क्या बचेगा, माइनस टू. सिमिलरली इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग निकालना है, तो इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस टू. सिमिलरली अगर मुझे इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग निकालना है तो इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एस माइनस वन. और फाइनली हमें क्या करना पड़ता है, हमें लगाना पड़ता है प्लस
प्लस माइनस साइन, तो कैसे लगाएंगे? तो दीज एलिमेंट्स आर नेम एज 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, क्योंकि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो 4 एलिमेंट्स होंगे. तो 1 प्लस 1 इज पॉजिटिव, सो दिस विल बी पॉजिटिव ओनली. 1 प्लस 2 इज 3, सो -1 to the power 3 इज -1. तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर प्लस ही रहेगा. तो यहाँ पर प्लस था तो ऑब्वियस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन था तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए. ऑल्टरनेट साइन मैंने बताया भी था. उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमें मिल जाएगी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. सो व्हाट वी कैन राइट इट एज एस 2 2 अपॉन s-1. इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है? जैसे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का शॉर्ट ट्रिक में मुझे ट्रांसफर फंक्शन वो एडजॉइंट ऑप्टेन करना है, बिकॉज वी वॉन्ट टू सेव टाइम ऑल्सो. वॉट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू रिप्लेस, यहाँ पर जैसे हमने शुरू किया तो तुम्हें कैसे रिप्लेस करना है, यहां से रिप्लेस कर देना है ऐसे. फर्स्ट जो तुम्हारी रो बनेगी वो सेकेंड रो के रिवर्स से स्टार्ट होगी. तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी एस, सेकेंड एलिमेंट विल बी -2. सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे होगा, -2 s-1. ठीक है, तो ये हमें कोफैक्टर मिल गया, इसका ट्रांसपोज कर दो. और साइन कैसे लगा देंगे? प्लस माइनस, और ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस. तो ये माइनस था तो ये तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस. तो इस अकॉर्डिंगली हमें सेम मैट्रिक्स मिल गई जो हमें फॉर्मूले से मिली थी. ठीक है, अब मुझे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है. तो डिटरमिनेंट क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट. तो मुझे एस इंटू एस माइनस वन डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है. तो मैंने बताया था अगर ये एलिमेंट ए बी सी डी है तो डिटरमिनेंट क्या होगा? ए डी माइनस बी सी. तो एस इंटू एस माइनस वन माइनस 2 to the 4. सो यू कैन राइट डिटरमिनेंट एस एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 4. ये तो तुम्हारा डिटरमिनेंट हो गया. ठीक है, अब हमें ऐसा ही माइनस ए इनवर्स भी पता लग गई. तो यू कैन ऑप्टेन ट्रांसफर फंक्शन एस. तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? ट्रांसफर फंक्शन है सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी. ठीक है, डी तो है नहीं, तो सी मैट्रिक्स क्या थी? सी मैट्रिक्स थी 1 0. एस आई माइनस ए इनवर्स हमने अभी फाइंड आउट किया, क्या था हमारा? हमारी मैट्रिक्स थी एस 2 2 और एस माइनस 1. इसको हमें 1 अपॉन डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करना था. तो हमारा डिटरमिनेंट क्या था? एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 4, एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 4, एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 4. बिकॉज हमें अभी तक एडजॉइंट फाइंड आउट किया था. दिस इज माई एडजॉइंट, और एडजॉइंट को हमें डिटरमिनेंट से भी मल्टी डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमें इनवर्स मिलता है किसी मैट्रिक्स का. ठीक है, तो ये हमारा ऐसे माइनस ए इनवर्स हो गया. और बी क्या है हमें? बी गिवन है हमें 1 एंड 2. सो वॉट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 2 एंड दिस इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 1. सबसे पहले हमें चेक करना है कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे. अगर ये कॉलम और सेकंड की रो मैच करिए तो उसका मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, हम सही जा रहे हैं. तो हमें क्या करना है? फर्स्ट एलिमेंट को इधर फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. कैसे करेंगे हम? ये तो 1 0 रहेगा, देन एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 4 प्लस इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करना है. तो क्या हो जाएगा? 2 to the 4 अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 4. सिमिलरली इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करना है प्लस इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करना है. तो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन s-4 प्लस एस माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 4. ठीक है, अब मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है. अब ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई? ये हमारी बन गई 2 क्रॉस 1 की, और ये क्या ऑर्डर है? 1 क्रॉस 2. तो मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, ये मैच कर रहा है ना. और ऑर्डर क्या होगा आउटपुट का? 1 क्रॉस 1. सो दिस शुड बी मल्टीप्लाई विद दिस प्लस दिस शुड बी मल्टीप्लाई बाय दिस. तो
जीरो इंटू समथिंग तो जीरो हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट फाइनली क्या बनेगा, हमारा आउटपुट बन जाएगा एस प्लस फोर अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस माइनस फोर। सो दिस इज माई ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। इन दिस वे यू कैन ऑब्टेन ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम स्टेट स्पेस मॉडल। नाउ वी विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। सो इफ एक्स डॉट इज इक्वल्स टू माइनस वन जीरो जीरो एंड माइनस टू इंटू एक्स ऑफ टी प्लस बी मैट्रिक्स इज वन जीरो इंटू यू ऑफ टी एंड आउटपुट मैट्रिक्स वाई ऑफ टी इज इक्वल टू वन वन इंटू एक्स ऑफ टी। इस केस में अगर मुझे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, सेम सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी, डी तो है नहीं तो जीरो हो जाएगा, तो एस आई माइनस ए, तो एस आई माइनस ए क्या होगा, एस आई तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी और माइनस ए एज माइनस वन जीरो जीरो एंड माइनस टू, यू विल ऑब्टेन दैट एस प्लस वन जीरो जीरो एंड एस प्लस टू। देखो हमेशा ध्यान रखना है जब भी डायगोनल मैट्रिक्स बने, जब भी डायगोनल मैट्रिक्स बने तो इसका इनवर्स हमेशा जो भी एलिमेंट है उसके वन अपॉन के इक्वल होता है। तो मतलब यहां पर क्या आएगा, वन अपॉन एस प्लस वन जीरो जीरो वन अपॉन एस प्लस टू। तो जब भी डायगोनल एलिमेंट्स दिखाई दे और उसका इनवर्स निकालना हो तो वो हमेशा वन अपॉन एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये हमें एस आई माइनस ए इनवर्स मिल गया, इसको बी से मल्टीप्लाई करना है। सी क्या है हमारा वन वन, बी है एस आई प्लस माइनस ए इनवर्स क्या है वन अपॉन एस प्लस वन जीरो जीरो वन अपॉन एस प्लस टू एंड बी इज वन एंड जीरो। तो इस फर्स्ट एलिमेंट को इधर फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, बिकॉज सी इज वन वन ओनली, तो अभी हमने सी एलिमेंट को कंसिडर नहीं किया, सी को मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको एज इट इज ही रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता है। तो वन अपॉन एस प्लस वन प्लस जीरो इंटू जीरो तो जीरो ही रहेगा। सेकेंड एलिमेंट बिकॉज ये टू क्रॉस टू मैट्रिक्स है और ये टू क्रॉस वन मैट्रिक्स है तो हमारी फाइनली मैट्रिक्स क्या बनेगी, टू क्रॉस वन की, तो वन अपॉन एस प्लस वन हो गया। ये क्या होगा, जीरो इंटू वन तो जीरो और वन अपॉन एस प्लस टू इंटू जीरो विल ऑल्सो जीरो, तो ये हमें जीरो मिल गया। देन वी हैव टू मल्टीप्लाई सी विद दिस मैट्रिक्स, सो दिस एलिमेंट विल गेट मल्टीप्लाई टू दिस एंड दिस एलिमेंट विल गेट मल्टीप्लाई टू दिस एंड बोथ आर एडेड, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन एस प्लस वन, क्योंकि वन इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा तो प्लस जीरो है, तो यू विल ऑब्टेन द ट्रांसफर फंक्शन। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ टू चेक वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और नॉट, ये कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन में तो हमने देखा हुआ है कि अगर मैं जो क्लोज लूप सिस्टम्स है उसके पोल्स डिटरमाइन कर लूँ कि उसके पोल्स क्या है, और पोल्स आर लाइंग इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन दैट द सिस्टम इज स्टेबल। तो हम स्टेबिलिटी फॉर स्टेट स्पेस मॉडल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी फॉर स्टेट स्पेस मॉडल। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम स्टेट स्पेस मॉडल विच इज इक्वल टू सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी, ठीक है। हम एस आई माइनस ए इनवर्स को कैसे लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख सकती हूँ एडजॉइंट एस ऑफ आई माइनस ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए इंटू बी प्लस डी, दिस होल कैन बी रिटन एज सी एडजॉइंट एस ऑफ आई माइनस ए इंटू बी प्लस
डिटर्मिनेंट एस आई माइनस ए इंटू डी अपॉन एस ऑफ आई माइनस ए। तो अब क्या पता लग रहा है मुझे, पोल्स मुझे फाइंड आउट करना है। तो पोल्स ऑफ क्लोज लूप सिस्टम यू हैव डिस्कस दैट ऑलरेडी, नो दैट 1 + GS Hs को जब मैं इक्वल्स टू 0 करती हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, तो हमें पोल्स मिल जाते हैं। इस केस में हमारी डिनोमिनेटर क्या है, एस आई माइनस ए। सो इफ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए इक्वल्स टू 0, इस केस में जो भी हमें वैल्यूज मिलती है एस की, विच मेक्स ए इक्वल्स टू 0, विच मेक एस आई माइनस ए इक्वल्स टू 0, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पोल्स। अब पोल्स क्या है, पोल्स अगर लेफ्ट हाफ में लाई कर रहे हैं तो सिस्टम इज स्टेबल, अगर राइट हाफ में लाई कर रहे हैं तो सिस्टम इज अनस्टेबल। एंड दिस डिनोमिनेट न्यूमरेटर इज टेलिंग अस अबाउट द जीरोस, ठीक है, कितने जीरोस प्रेजेंट है, कैसे क्या प्रेजेंट है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्लोज लूप पोल्स है, इसको अगर इक्वल टू 0 करके ऑप्टेन करेंगे तो ये क्लोज लूप पोल्स है। अगर जीरो ऑप्टेन करते हैं तो न्यूमरेटर को 0 को इक्वल कर देंगे तो हम जीरोज ऑप्टेन कर लेंगे। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल। इस केस में हमें पोल्स एंड जीरोस फाइंड आउट करना है और बताना है कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। सो सिस्टम स्टेट स्पेस मॉडल इज एज x1 dot x2 dot 0 1 -20 -9, x1 x2 + 0 1 u एंड आउटपुट y इज रिटर्न एज -17 -5 x1 x2 + 1 × r, ठीक है। अब मुझे पोल्स और जीरोस फाइंड आउट करना है। पोल्स के लिए क्या बोला था मैंने, पोल्स के लिए बोला था एस आई माइनस ए मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दे और उसको इक्वल टू 0 कर दे तो हमें पोल्स मिल जाएंगे। तो एस आई माइनस ए फाइंड आउट कैसे होगा, एस आई क्या होगी, s 0 0 s माइनस a, ए मैट्रिक्स क्या है 0 1 -20 n - 9। सो व्हाट वी हैव इज, हमारी जो s i - a मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, s - 0 will be s 0 - 1 will be -1 0 - -20 is + 20, यहाँ पर s -9, -+ हो जाएगा तो s + 9। इस मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकाल दूं और उसको इक्वल टू 0 कर दूं तो मुझे पोल्स की लोकेशन मिल जाएगी। तो लेट अस फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ पोल्स। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के क्या करना पड़ेगा हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो वी हैव मल्टीप्लाई एस विथ s + 9, सो s × s + 9 माइनस -1 × 20 इक्वल्स टू 0। सो व्हाट वी कैन राइट इट एज s² + 9s + 20 इक्वल्स टू 0। ओके, व्हेन यू राइट इट इन रूट्स फॉर्म, मतलब अगर मैं इसके रूट्स निकालू तो यू विल फाइंड इट आउट एज 4 और 5 आर द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन। सो एस इक्वल्स टू -4 एंड एस इक्वल्स टू -5 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड ऑल्सो नोन एज क्लोज लूप पोल्स। तो ये दोनों कहाँ लाई कर रहे हैं, लेफ्ट हाफ प्लेन में, ये राइट हाफ हो जाता है और ये लेफ्ट हाफ, तो ये यहाँ कहीं लाई कर रहे हैं। तो दिस वी कैन से दैट द सिस्टम इज स्टेबल, ठीक है। अब अगर मुझे जीरो भी फाइंड आउट करना है तो हम जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जीरो फाइंड आउट करने के लिए मुझे एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए निकालना होगा, ठीक है। तो एस आई माइनस ए क्या ऑप्टेन किया था हमने, एस आई माइनस ए इज इक्वल्स टू s -1 20
और एच प्लस नाइन। अब मैंने कहा था जब भी मुझे एडजॉइंट फाइंड आउट करना है ऑफ एनी टू क्रॉस टू मैट्रिक्स तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स में चलना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो सेकेंड रो था उसका रिवर्स में चलेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा, एस प्लस नाइन, सेकेंड विल बी 20, थर्ड विल बी माइनस वन, फोर्थ विल बी एस। ठीक है, इसका ट्रांसपोज तो करना ही है, साथ में हमें क्या करना है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। ये प्लस था, ये माइनस होना चाहिए तो यू विल राइट इट एज माइनस, ये माइनस होना चाहिए तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये प्लस होना चाहिए तो प्लस ही रहेगा। इसका ट्रांसपोज ऑप्टेन करेंगे तो क्या मिलेगा, एस प्लस नाइन, 20 माइनस 20 वन एन एस, दिस इज योर एडजॉइंट एस आई माइनस ए। अब मैंने डिस्कस किया था जीरोस क्या था, जीरोस था सी इंटू एडजॉइंट एस आई माइनस ए इंटू बी प्लस डिटर्मिनेंट एस आई माइनस ए इंटू डी। तो एडजॉइंट एस माइनस ए को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एडजॉइंट एस माइनस ए को हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं, बी इज 0 1। इस केस में क्या होगा, एस प्लस नाइन विल मल्टीप्लाई टू 0 तो वो तो 0 ही रहेगा, एंड सेकेंड एलिमेंट इज 1 प्लस 1 तो दिस विल बी 1। सिमिलरली माइनस 20 इंटू 0 इज 0, एस प्लस एस इंटू 1 इज एस, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 1 है, तो योर आउटपुट मैट्रिक्स इज ऑफ 2 क्रॉस 1, तो 1 और एस के एलिमेंट मिले। अब इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद सी। ठीक है, तो सी क्या था, सी है -17 और -5, इसको मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट एस आई माइनस ए इंटू बी से, तो हमें वो क्या मिला है, 1 और एस। तो फाइनली हमें वैल्यू क्या मिल रही है, -17 -5s। तो हमने अभी ये कैलकुलेट कर लिया है। अब डिटर्मिनेंट एस आई माइनस ए भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अभी क्या था तो उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, बिकॉज डी इज नॉट 0 इन दिस केस, डी इज 1 हियर, सो वी कैन राइट 0s एज, 0s का फॉर्मूला क्या था, सी एस आई, सॉरी दिस इज एडजॉइंट ऑफ एस आई, सी इंटू एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए इंटू बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए इंटू डी। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हमारी क्या वैल्यू आ रही है, -17 -5s, दिस वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट, इट इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस 9s प्लस 20, एंड डी क्या था हमारा, डी 1 है, गिवन है। ठीक है, तो हमें जीरोस फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे, मैंने बोला था न्यूमरेटर को 0 रखना है, मतलब इसको इक्वल्स टू 0 करना है, तो वी कैन राइट इट एज एस स्क्वायर प्लस 9s -5s विल बी इक्वल्स टू प्लस 4s प्लस 20 -17 इज 3, इज इक्वल्स टू, हमें इक्वेट करना है 0 के, तो विल फाइंड आउट एस इक्वल्स टू -1 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड दीज आर ऑल्सो जीरोज ऑफ द सिस्टम। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द जीरोज एंड पोल्स ऑफ द सिस्टम। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी एंड हाउ टू रिप्रेजेंट अ स्टेट डायग्राम इन फेज वेरिएबल फॉर्म एंड कैनोनिकल वेरिएबल फॉर्म। Along with that, solution of state space equation is also being discussed to you. Thank you.